आ जाओ भाई, मार पियो, आ जाओ जल्दी सी। सर नमस्कार बेटा, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिजल्ट गुरु के ऊपर। और आप सभी भाइयों को राम राम। आज की बेटा, आज का जो हमारा सेशन है उसके अंदर हम बातचीत करेंगे एनालॉगी और सिमिलैरिटी की। इसके लगभग 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एक विशेष बात मैं बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक का मतलब होता क्या है, टॉपिक से हम कहां पर जाएंगे, क्या होता है एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी। बेटा देखो, सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। क्या होता है मतलब? कई बच्चे बोलेंगे गुरुजी ने तो आते ही पढ़ाना चालू कर दिया, तो महाराज हम यहाँ कोई पेट लल्लू लाल की तरह बात मत करो, डायरेक्टली पढ़ेंगे तभी मैक्सिमम क्वेश्चन हमें 1 घंटे के अंदर कवर अप करने हैं। सिमिलैरिटी का मतलब होता है समानता। जैसे 2 से यहां पर 4 आया। अब सर 2 से 4 की 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस में 2 को मल्टीप्लाई कर दें आप 2 से तब 4 आया, या 2 की आप स्क्वायर कर दें तब 4 आया। तो बेटा यहां पर डबल डॉट के बाद में कुछ चीजें आपको दे रखी होंगी। जैसे मान लो 8 दे दिया गया, तो हो सकता है क्वेश्चन मार्क देगा, उस क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप 16 भी हो सकता है, और 8 की आप स्क्वायर करेंगे तो 64 भी आ सकता है। देखिए आप, सिमिलैरिटी के एनालॉगी और सिमिलैरिटी के क्वेश्चन में एक सवाल के अंदर दो दो ऑप्शन। अब आपको एग्जामिनर उन 4 ऑप्शन में से किसी एक में अगर 16 लिखेगा तो 64 नहीं, और अगर 64 लिखा तो 16। इस तरीके से फिर आपको 16 लिखा तो 64 को क्लिक कर देना, और बी वाला ऑप्शन मान लो है 64, तो यहाँ पर 16 की बजाय कुछ और है, पर 64 को क्लिक। इसे कहते हैं सर, जैसा काम इसमें हुआ है वैसा काम आपको इसके अंदर रिपीट करना है, रिपीटेशन होनी। क्लियर है? आ जाएं बेटा, पहला सवाल हमारा शुरू होता है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए बेटा, इस पहले क्वेश्चन के अंदर कोयला जिस तरीके से हमें गर्मी देता है, कोयला गर्मी का डायरेक्ट कोयले को पत्थर से, पत्थर होता है कोयला, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोन, तो क्या कोयले को निकालते ही तुरंत गर्मी देना शुरू हो जाता है क्या? सिमिलैरिटी चीजों को मेंटलिटी से, दिमाग की पूरी शक्ति पूरी पावर आपको लगानी है। जैसे मान लो कोई अचानक से कोई गाड़ी में कोई लड़की जा रही है, अचानक से छोटा सा भी वो इशारा कर देती तो कैसे सारे लड़के समझ जाते हैं कि क्या इशारा था उसका, ना? उसी तरीके से यहाँ पर भी एनालॉगी एंड सिमिलरिटी में तुरंत इशारों समझने चाहिए। कोयला किस तरीके से गर्मी देता है? बेटा कोयले को हम जलाते हैं तो जलाने पर वो क्या हीट गर्मी प्रदान करता है, तो उसी तरीके से मोम को जब जलाते हैं तो वो रोशनी प्रदान करता है, रोशनी देता है, ऊर्जा एनर्जी का कोई स्रोत नहीं है मोम। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैंगापन। भैंगापन आंखें आप देखे होगा आपने, टेढ़ी मेढ़ी आंखें हो जाती हैं कई कई बच्चों, तो उसे कहते हैं भैंगापन। भैंगेपन की जो शिकायत है वो शरीर के कौन से पार्ट में होती है? आंखों में। और निचोड़ने का काम ये शरीर के कौन से पार्ट से होता है बेटा? जीभ से तुम निचोड़ सकते हो क्या किसी चीज को? कपड़ों से निचोड़ नहीं सकते सर, ना गले से निचोड़ सकते हो, हाथों से। काम कहाँ से होता है? हाथों से हम निचोड़ने का काम करते हैं कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा बेटा, सवालों की रफ्तार स्पीड एकदम फास्ट रहेगी, आप जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देते जाए बेटा। बिल्कुल, रेशमा, पारुल, आकृति, रजनीश, लंबा, बिल्कुल सही जवाब। स्पीडली आप लोग आंसर देते रहे बेटा, जल्दी आ जाओ फटाफट जल्दी से। साधु, हर्मिट, सॉलिटाइड, मतलब साधु जिस तरीके से एकांत में रहना पसंद करना है। साधु का काम क्या होता है? साधु हमेशा भीड़ भाड़ वाला इलाका है ना, तो वहां पर वो उसे पसंद नहीं आएगा।
वो क्या करेगा, एकांत देगा, एकांत में जाएगा। तो साधु अपना काम करता है एकांत में जाने का, घुसपैठिया इंट्रेडर जो होता है वो क्या काम करता है, इंट्रेडर घुसपैठिया क्या काम करता है सर, सेंध मारता है। घुसपैठिया क्या करता है, सेंध मारता है, जगह ढूंढेगा, जगह ढूंढकर फाइनलाइज करेगा कि हाँ इस जगह पर हमें चोरी चकारी जो भी जिस भी चीज के लिए घुसपैठिए को टारगेट किया जाता है वो अपना काम करेगा। भाई बुआ फूफा मामा चाचा चाची ये इतने इतने बजे आती हैं, 100% चचवा जो है वो रात के 12 से 1 के बीच में अकेला रहता है, उसी समय उस पर टूट पड़ना है। अरे तो घुसपैठिया सेंध मारता है, बर्गलर। नेक्स्ट, अब एनालॉगी के अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यानी सबसे ज्यादा जो संभावनाएं होती हैं, सबसे ज्यादा जो संभावनाएं होती हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज जो होती हैं आपको उसकी तरफ इशारा करना है। उस चीज देखिए, चाय, चाय आप कप में भी डाल के पी सकते हो, ठीक है, चाय चाय आप ग्लास में भी पी सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि कप में ही डालो, ग्लास कांच के ग्लास भी होते हैं आजकल, कुल्हड़ नया एक सिस्टम चल गया है, कुल्हड़ में भी डालते हैं काफी लोग चाय। तो सर मैक्सिमम चाय, पूरे भारत की बात करें पूरे विश्व की बात करें तो मैक्सिमम चाय कहां पर, कप में ही परोसी जाती है। तो उसी तरीके से तंबाकू किस चीज के अंदर डाल के सर्व किया जाता है सर, मैक्सिमम तंबाकू सिगार यानी कि चैरेट के अंदर डालकर सर्व किया जाता है। आप पूरे भारत की बात करेंगे, हुक्का केवल हरियाणा में ही है, अवेलेबल है, और कहीं जगह पर कोई हरियाणा साइड से ही लोग आ गए होंगे तो वो वहां पर यूज दे रहे, उनको दूसरे लोगों को आदत डाल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम संभावनाएं जो होंगी वो सिगार की होंगी। इसकी फैक्ट्रीज हैं, कंजप्शन ज्यादा सिगार के अंदर, सिगरेट वगैरह बीड़ी वगैरह इनमें यूज। नेक्स्ट, अगले सवाल पर आ जाए बेटा। बेटा यार 25 की स्क्वायर कर दूं तो 625 आ गया, लेकिन 35 की स्क्वायर तो यार 1225, यहां पर मामला बैठ नहीं रहा है, गड़बड़, ऑप्शन ही नहीं है, क्या किया होगा इसने, क्या किया होगा, दिमाग लगाओ 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 लगाओ, कुछ यहाँ जुगाड़ सेट हो। आसान सा सवाल है भाई, ये जो 6 है मैंने देखा, ये 6 जो है कॉमन है, इस 25 एज इट इज लिखा गया है और 6 पहले आ गया, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, ये फटाफट 35 को एज इट इज पुटअप किया जाए और बेटा 6 जो है वो आगे ही आगे लगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फंडा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लगाओ बेटा दिमाग लगाओ, इसके अंदर 583 से 488 कैसे आया, कोई स्क्वायर है कोई रूट है, हो सकता है तीनों डिजिट्स जुड़ने के बाद में इनका डिफरेंस है, या फिर ये इसका कोई मल्टीप्लीफिकेशन है डिवाइडेशन है, कुछ ना कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, निकालो फटाफट। बिल्कुल रश्मि, निकिता, रजनी सही है, पिछला वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी का बिल्कुल सही है, चलें जल्दी चलें बेटा इस क्वेश्चन के ऊपर चलें फटाफट, स्पीडली बताएं इसका आंसर क्या होगा। बताओ बेटा आंसर क्या आ रहा है इसका। बेटा यहां पर मैंने देखा स्क्वायर और रूट ये सब चीजें तो यहां पर सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा है उनका, तो अब हमें क्या दिमाग लगाना है, इन तीनों डिजिट्स को अपन जोड़ते हैं, 8, 8 और 3, 11, 11 और 5, 16, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया यानी 5 + 8 + 3, इस तरीके के फंडामेंटल्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं 8, 3, 11 और 5, 16, 6 आ चुका है बेटा। इसी तरीके से मैं इसको भी जोड़ता हूँ 8, 8, 16 और 4, 20,
बेटा इन तीनों को जोड़ के जो इनका डिफरेंस बन पा रहा है यहाँ पर, ये 4 का गैप है इन दोनों। तो सर 9 2 11 और 3 सॉरी 14 आ रहा है इनका डिफरेंस। अब बेटा मुझे डिफरेंस करना है 4 का, यानी कि तीनों का सम करने पर 18 आना चाहिए। सर 8 1 9 5 14 नहीं आ रहा है सर, 9 1 10 प्लस 2 12, 7 7 14 प्लus 1 15 plus 3 18। इसका भी चेक कर लेता हूं, क्या पता इसमें भी 18 हो। अगर 18 हुआ तो ऑप्शंस दो होंगे, तो ये वाला जो रूल्स है वो फॉलो नहीं करेगा, फिर कुछ और देखना पड़ेगा। तो 7 7 14 1 15 और 15 और 4 19, बेटा इसको जोड़ने पर 19 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट, डिफरेंस यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगले सवाल पर ध्यान दे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट निकालेंगे बेटा अगला सवाल। जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करने की कोशिश करो, फटाफट जल्दी से स्पीड अपनी बनाए ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आज की क्लास में हम। बेटा यहां पर 1 की स्क्वायर, ये 2 की क्यूब, आपने स्क्वायर क्यों बनाया? बेटा स्क्वायर मैंने आगे वाली डिजिट को देखकर बनाया, ये 2 की स्क्वायर है, और अगर मैं 1 की क्यूब करता तो इसको भी 2 की क्यूब यानी कि 8 यहां पर होना चाहिए था, जो है ही नहीं, है ना। तो इसी कारण से, यही कारण है, इस कारण से मैंने यहां पर इसको लिखा है 2 की स्क्वायर। अब बेटा 1 से 2 पर जाने में आपने 1 जोड़ा, तो बेटा इसके अंदर भी 1 जोड़ देते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3 की क्यूब जो है वो तो 27, जो कि ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं। अब हमने दिमाग क्या लगाया कि 2 से हम 2 जोड़ते हैं, क्यों भाई? अरे यार 1 में 1 खुद था, खुद में खुद ही जोड़ा, 1 में 1 जोड़ा तो 2 हो गए, तो 2 की क्यूब की, 2 में 2 जुड़ेंगे तो 4 की क्यूब। बेटा 64 इज द करेक्ट आंसर, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी है, तो जो समानताएं यहां पर यूटिलाइज हुई हैं वही समानताएं आगे वाले की यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। कौशल्या मान जी नमस्कार, गुड इवनिंग कौशल्या जी। देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, देखें फटाफट। कॉलेज में जिस तरीके से डीन होता है, कॉलेज का जो प्रधान होता है, कॉलेज में जो सारी चीजें मैनेजमेंट प्लस टीचर हैंडलिंग प्लस इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स जितने भी सदस्य हैं सबको कौन डील करता है? डीन। तो उसी तरीके से संग्रहालय के अंदर यानी म्यूजियम के अंदर जो सारे के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है प्लस जो फैसिलिटीज होती हैं या फिर जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वहाँ पर, उन सब चीज़ों को म्यूजियम पूरे को मैनेज करने का जो काम करता है वो क्यूरेटर यानी कि उसका जो संग्रह अध्यक्ष होता है वो करता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आ जाए बेटा। भारत और भारत से बनाया नई दिल्ली। सर नई दिल्ली भारत की कैपिटल को यहाँ पर लिया गया है, राजधानी भारत की क्या है बेटा? नई दिल्ली। तो उसी तरीके से भारत का कैपिटल जिस तरीके से न्यू दिल्ली है, पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या होगी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान कौन से धर्म को मानता है? इस्लाम धर्म को। की राजधानी क्या हो जाएगी? इस्लामाबाद इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी के फंडामेंटल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा।
बताएं बेटा इसका आंसर क्या आएगा, बताएं जल्दी से। हाँ देखो हावड़ा क्या होता है, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ कौशल्या जी, कुछ नहीं हुआ। हाँ देखिए बेटा एलिफेंट, हावड़ा क्या होता है बेटा, हाथी के ऊपर, हाथी के ऊपर एक इस तरीके की सेत सजाई जाती है जिसके ऊपर कोई जो भी हाथी के ऊपर जो घूमने वाला जो पर्सन होता है वो घूमता है, है ना, मतलब घूमता है मतलब रोटेट नहीं होता है। हाँ क्या होता है वो हाथी के ऊपर जो ये बग्गी जो होती है ना उस बग्गी को कहते हैं हावड़ा। तो घोड़े के ऊपर भी एक इस तरीके का रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है बेटा, जिस तरीके से हाथी के ऊपर रखी कई चीजें यानी वो एक तरीके का आप कह सकते हैं उसको एक ऐसा पार्ट उसके ऊपर लगाया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई भी बैठे तो वो फिसल कर गिरे नहीं, एक इस तरीके की आप बालकोनी टाइप में, आप छोटी बालकोनी टाइप में एक लगा देते हैं उसके ऊपर ताकि उसके ऊपर गद्दे वगैरह बिछा कर कोई भी टूरिस्ट होता है वो उसी के ऊपर बैठता है। तो घोड़े के ऊपर जो आरामदायक चीज लगाई जाती है उसे कहते हैं सैडल ताकि आप अच्छे से घुड़सवारी कर सकें। नेक्स्ट पेंट्री बेटा, पेंट्री स्टोर और स्कलरी, स्कलरी बेटा एक प्लेस होती है जहां पर बर्तन जो होते हैं ना बर्तन, उनको बर्तनों को हाँ बर्तनों को धोने का काम होता है। स्कलरी क्या कहते हैं, बर्तनों को धोने का काम होता है, वैसे वॉशिंग आएगा इसका आंसर। पेंट्री क्या होता है बेटा, पेंट्री एक रसोई में एक पेंट्री होती है अलग से, आपने काफी बार देखा होगा कि ट्रेन में पेंट्री कहाँ है पेंट्री, तो रसोई में एक ऐसी स्पेस होती है अलग से जगह होती है जिसके अंदर हम काफी सारा सामान जो है ना वो स्टोर करते हैं तो उसी जगह को कहते हैं स्टोर, पेंट्री को स्टोर। कलरी होती है सर रसोई में एक ऐसी जगह जहां पर वॉशिंग बर्तन हम धोने के लिए उसको काम में लेते। कारपेंटर बढ़ई, बढ़ई कारपेंटर की सबसे इंपॉर्टेंट हथियार जो है उसका वो है सौ यानी कि आरी। तो दर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार क्या है ये आपको बताना है बेटा, दर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार कौन सा है ना ये बताना है आपको। बिल्कुल संदीप खंडेलवाल भाई नमस्कार, राम राम। दर्जी का कौन सा हथियार है यार, दर्जी बेचारा छोटा सा आदमी है, सुई को काम में लेता है बेचारा, सारे दिन भर सुई 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 करता रहता है। अगले सवाल पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखें फटाफट जल्दी से देखें बेटा। अगले सवाल पर बिल्कुल देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, बट जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। मैनिफेस्टो बेटा एक घोषणा पत्र होता है जो चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे हम रोड बना देंगे, हम सड़कें बनाएंगे, इस वर्ष हम इतनी स्कूल्स बनाएंगे, इस वर्ष हमारी प्लानिंग्स है कुछ बड़ा करने की तो हम नहर लेकर आएंगे, ये सब मैनिफेस्टो क्राइटेरिया बोलते हैं, मैनिफेस्टो के अंदर इंक्लूड होता है ये। तो बेटा बैठक मीटिंग, मीटिंग के अंदर क्या होता है एजेंडा, एक एजेंडा बनाया जाता है, एक कार्य सूची बनाई जाती है कि किस तरीके से हमें काम करना है, आगे का एजेंडा तैयार करना है। तो जिस तरीके से चुनाव में घोषणा पत्र, तो बैठक के अंदर एजेंडा बनाया जाता है। अगला सवाल नंबर एनालॉगी का, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से बताएं बेटा, जल्दी से इसका आंसर बताएं। कौशल्या जी, संदीप जी, दीप खंडेलवाल जी, कौशल्या जी बिल्कुल सही, शानदार। पारुल जी, राधेश्याम, मीणा भाई बिल्कुल सही जवाब आपका भी।
बेटा देखो चीजें यहां पर अगर यहां से यहां जाओगे तो डिविजिबिलिटी रूल से जा सकते हैं आप, क्योंकि चीजें जो है वो थोड़ी सी कम हो रही हैं। तो डिवाइड बाय अगर मैं टू कर दूं और माइनस टू करूंगा तो थ्री हो जाएगा, और माइनस वन कर दें तो सर इसको अगर मैं डिवाइड बाय टू करता हूं तो फोर आएगा, फोर में से वन अगर मैं लेस करता हूं तो थ्री आना चाहिए, क्या थ्री ऑप्शन में है? बिल्कुल। अगर हम उल्टा रूल लगाते हैं यानी कि इधर से करते हैं चीज को तो टू टू जा फोर प्लस टू सिक्स, तो इसी तरीके से यहां पर भी होना चाहिए थ्री टू जा सिक्स प्लस टू एट, सेम चीजें हैं बेटा। चाहे आप इधर से डिविजिबिलिटी रूल लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, चाहे इधर से क्वेश्चन को सॉल्व। निकिता प्रजापत नमस्कार बेटा, सवाल करें फटाफट जल्दी से, स्टूडेंट जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं क्लास से स्पीड थोड़ी अपनी बढ़ाकर रखें, जल्दी फटाफट। तीन का सत्ताईस तो चार का चौसठ, क्या क्यूब? थ्री की क्यूब इक्वल्स टू 27, फोर की क्यूब इक्वल्स टू 64 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने बेटा, जल्दी क्यूब हो रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, खंडेलवाल जी, निकिता जी, राकेश प्रजापत भाई, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। फटाफट करें बेटा इस सवाल को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। कुछ ने कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ ने कुछ फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट विल बी विजिबल टू यू। जल्दी लगाएं बेटा, कुछ ने कुछ रूल लगाएं, यहां पर क्या हो रहा है? सर आठ और एक नौ, नौ का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। अठारह का सीधा सीधा डिविजिबिलिटी, अठारह छत्तीस चौवन, सर डिविजिबिल मल्टीप्लाई अठारह से हो तो रहा है लेकिन अठारह के मल्टीप्लाई करने से थोड़ी सी बड़ी चीजें आ रही हैं, आप करके तो देखें यार। अठारह इंटू तीन 54 माइनस टू 52, यार उसमें भी वही वाला रूल लगाकर देखो, सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगाकर देखें, आगे वाली चीज भी बन रही है क्या? एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस फॉर्मूला बेस्ड पे नंबर अगर वाले आए हैं, नंबर वाले एनालॉगी नंबर वाले आए हैं तो यही मामला लगेगा। 12 इंटू 3 36 माइनस 2 34 इज द करेक्ट आंसर, 34 इन करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, शानदार जवाब। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब लौंडे भाई दो ही मिनट में कोई बोल देता है ना कि बाबू ये तुरंत भर भर आके आ जाएंगे, अरे भाई मैं क्या पुकार, क्लास में वही बच्चा टिका रहेगा जिसको करने हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस एक घंटे के दौरान। फटाफट अगला सवाल जल्दी से जल्दी निकालो, फटाफट जल्दी से वापस रिपीट करो, वापस रिपीट कर देते हैं बेटा, देख लो बेटा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2, 18 इंटू 3 होता है बेटा 54 माइनस 2 इज द करेक्ट। चीजें सिमिलर होनी चाहिए, जो रूल यहां पर आपने अप्लाई किया है देन द सेम रूल विल बी अप्लाइड टू दिस नंबर 12 इंटू 3 36 माइनस 2 34 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा सामने, जल्दी से जल्दी बेटा। अगर सर स्क्वायर क्यूब इस तरीके की चीजें आई ना तो सबसे पहले अगर स्क्वायर आया, ध्यान से सुन लेना सारे, कई बच्चे एग्जाम के अंदर रीट डाल देते हैं बेटा और बोलते हैं कि यार आया था क्या करके है? बेटा आप ये मानकर चले फर्स्ट प्रायोरिटी अगर कोई क्वेश्चन स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्क्वायर रूट से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है देन सबसे पहली प्रायोरिटी आंसर को दी जाएगी, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में डिविजिबल मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कोई रूल लग रहा है, उसके बाद में यूडीएम मेथड यूनिट डिजिट मेथड यानी कि 235 को 5 2 7 3 10 इन तीनों को जोड़ा 10 आ गए, ये रूल लग रहा है इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर यहां पर क्वेश्चन के अंदर 2 की क्यूब 8 हो रही है और 3 की स्क्वायर 9 हो रही है, 4 की क्यूब बेटा 64 हो रही है और 5 की स्क्वायर बेटा 25 हो रही है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है? सर वापस
रिपीट करो, समझ नहीं आ रहा बेटा क्या रिपीट करें। निकिता प्रजापत जी, सीताराम जी, खंडेलवाल जी, क्या थोड़ा सा आप मैथ्स वीक है, पर आराम से लो बेटा, एकदम आराम आराम से। ये तो समझ में आ गया होगा बेटा, दो को तीन से दो करेंगे, तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे, दो इंटू दो आठ आ जाएगा बेटा, तीन की स्क्वायर कर देंगे तो नौ आ जाएगा। दोनों चीजों में जो डिफरेंस है वो वन का है, दो से फिर तीन, और इसमें भी एक जोड़ेंगे तो पांच आ जाएगा, लेकिन पांच की बेटा क्योंकि यहां पर स्क्वायर की है तो यहां पर भी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ से कैसे सात हुआ, अस्सी से अगली डिजिट क्या होगी। जो भी बच्चे क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा बेटा, आप सभी इस चीज को स्वीकार लें कि एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी के दो से तीन क्वेश्चंस आपकी सीईटी के अंदर आएंगे। काफी बच्चे कहते हैं कि सर ये एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी में कोई ट्रिक बताओ, कोई लॉजिक बताओ, अरे कोई है ही नहीं, कोई जुगाड़ नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी रिजॉल्व हो जाएंगी, और हमारा प्रैक्टिस सेशन सोमवार से शुरू हो जाएगा। टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा मैं, आपसे वादा करता हूँ, 30 से 35 टेस्ट सीरीज। आप राजस्थान सीट मैट यानी कि रीजनिंग की कर लेना, आपके नंबर पूरे में से पूरे एक या दो नंबर हो सकता है, किसी कारणवश कोई टफ क्वेश्चन आ जाएगा मिसिंग पर या सीरीज का तो आपका रहेगा, बाकी आप एक भी क्वेश्चन आ जाओ बेटा। नौ सात देखिए बेटा क्या हो रहा है इसके अंदर। संदीप खंडेलवाल बहुत सही जवाब एकदम शानदार दिया है खंडेलवाल साहब। 9 की स्क्वायर 9 की स्क्वायर हो जाएगी बेटा 81 माइनस 180। इसी तरीके से 7 की स्क्वायर करना है बेटा 49 माइनस 148। बहुत ही शानदार जवाब दिया है खंडेलवाल साहब। काफी क्वेश्चंस हमेशा इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यहां पर जो हो रहा है इससे ही आ रहा है, लेकिन इसमें आगे वाली जो डिजिट है यानी कि डबल यूनिट के बाद में यानी डबल डॉट्स के बाद में वाली चीज से रिलेशन बनाए तो इसे में भी आपको बाद वाली से रिलेशन, जैसा इसमें काम हुआ है वैसा उस सिमिलैरिटी, इसी को कहते हैं समानता। 841 से 29 289, कुछ ना कुछ स्क्वायर और क्यूब का नहीं है क्या मामला बेटा? आपको अगर पता होगा ना तो आप फटाफट कर लोगे। 29 की स्क्वायर क्या होती है बेटा? 29 की स्क्वायर कितनी होती है? 841 होती है क्या? और 17 की स्क्वायर कितनी होती है महाराज? देखो जरा, स्क्वायर और क्यूब भी कम से कम आपको याद होने चाहिए, लगभग आपको स्क्वायर और क्यूब याद करने ही पड़ेंगे कुछ हद। क्लियर है बेटा सभी के? 17 की स्क्वायर खंडेलवाल साहब बिल्कुल सही, सीमा शुक्ला, रजनीश, निकिता प्रजापत, कौशल्या, सीताराम, निकिता प्रजापत, पारुल सिंह, पुरुषोत्तम जी, आपके सभी के आंसर्स लगभग सही हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर निकालेंगे बेटा इसका। 8 सर, 8 8 एज इट इज लिख दिया जाए, 27 एज इट इज लिख दिया जाए, दो जोड़ा जाए, 227 है नहीं यहाँ ऑप्शन के अंदर बेटा। 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28, 8 इंटू 3 होता है 24 प्लस 4 इक्वल्स टू 28। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? 27 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 7 21, कैरी 2, 3 2 6, 6 2 81 प्लस 485 इज द करेक्ट आंसर। इनटू 3 प्लस 4। रेखा कुमारी जी नमस्कार बेटा, फटाफट फटाफट जल्दी से क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करें। हमें टोटल आज सवाल कितने सॉल्व करने हैं बेटा? अरे गुरुजी, बहुत सवाल बचे हैं, फटाफट फटाफट जल्दी स्पीड बढ़ाओ सभी, एक घंटे के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे बेटा, ऐसे नहीं है निराशावादी होकर जाना ही नहीं है यहाँ से। 72 से 18 कैसे आया यार? डिवाइड देता हूँ, एक काम करता हूँ, डिवाइड कर दिया 2 से कर दिया, 2 3 6 2 6 12 यार,
ये तो 36 आ रहा है, नहीं मामला नहीं बैठेगा बेटा, तीन से करके देख लो, 3 2 6, तीन से करके देख लो, 3 2 6, 3 4 12, 24 आ रहा है, मामला नहीं बैठा यार, 24 में 6 कम करेंगे, इसको भी बात कर लेते हैं 3 से, मामला यहाँ पर भी नहीं बैठ रहा, यानी डिविजिबल चीज हो ही नहीं रही है। तो सर यूनिट डिजिट मेथड लगाओ, 7 और 2 जोड़े 9, 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से 18, उसी तरीके से बेटा इन दोनों में भी यूनिट डिजिट मेथड लगाओ, 5 और 6 11, 11 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 इज द करेक्ट आंसर, 22 इज द करेक्ट आंसर। सर वीडियो कॉल की ट्री का सिस्टम नहीं है क्या? वीडियो कॉल का सिस्टम नहीं है बेटा, आप क्या करें वीडियो कॉल से, वीडियो कॉल जब से शादी हुई है ना निकिता प्रजापत जी, जब से शादी हुई है ना एक वीडियो कॉल ही भारी पड़ रहा है मेरे ऊपर तो। आ जाओ अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा, प्लीज सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव में बेटा, लाइव में क्लासेस जो है यूट्यूब पर वीडियो कॉल की परफॉर्मेंस नहीं आ पाती है, वीडियो कॉल जो होता है ना बेटा, वीडियो कॉल की चीजें जो पेड क्लासेस होती हैं उसके अंदर ऐप के बाद में ऐप पर अवेलेबिलिटी होती है, वो बाद की प्रक्रिया है, अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जितनी चीज़ें आप ले सकें राजस्थान सीईटी में, मैं चाहता हूँ कम से कम आपका सिलेक्शन इस बार किसी के बिहाफ पर हो, फ्री क्लासेस के बिहाफ पर, ताकि आप भी याद रखें कि इन गुरु जी ने हमें पढ़ाया था और इनके पढ़ाने से काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हो भी चुके हैं और आप सभी का भी भविष्य उज्जवल रहे, इसलिए आपको आशीर्वाद है बेटा। आ जाओ अगला सवाल देखिए बेटा, 8 से 28 हो गया बेटा, 8 से 28 यहाँ पर मामला, करो 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 कुछ करो, 2 की क्यूब 8 हो गया, 2 की क्यूब यहाँ पर 3 की क्यूब कर दें 27 प्लस 1, तो बेटा यहाँ पर 2 की क्यूब तो 8 हो गया, 4 की क्यूब तो, ना 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 मामला ये बैठेगा ही नहीं बेटा, मामला ये बैठने वाला बिल्कुल नहीं है, आपको चीजें इस तरीके से प्रिपेयर करनी है कि आपके ऊपर समस्याएं बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। आगे देखिए बेटा, अब 3 की क्यूब नहीं हो रही है तो 3 की स्क्वायर 9 माइनस 1 है, और 4 की स्क्वायर 16, 4 की नहीं 3 की ही क्यूब कर लो बेटा, 2 प्लस 1 27, ठीक है, तो 4 की स्क्वायर हो जाएगी बेटा 16 माइनस 1 15, 4 की क्यूब बेटा 64 प्लस 1 65, 65 इज द करेक्ट, देख ले बेटा 65 इज द करेक्ट आंसर, ज्वाइन करवाएंगे बेटा बिल्कुल, निकिता जी आपका स्वागत है, आपको ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है बेटा आप इस समय एक बार निकिता जी के अलावा आपको कोई परेशानी हो, किसी भी स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन के अंदर किसी भी चीज़ के अंदर आपको परेशानी हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप में मुझे आप अपनी भेज सकते, कोई क्वेश्चन हो आप उसको भेज सकते, आप व्हाट्सएप पर केवल आपको क्वेश्चन आंसर के लिए संपर्क करना है, इसके अलावा नहीं, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से भी मैं आपको जोड़ने में आपकी हेल्प करूँ, ताकि आप हमारे रिजल्ट गुरु चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ताकि ये जो पीडीएफ फाइल्स हैं कम से कम ये आप लोगों तक हम पहुंचाने, तो अभी तक लगभग हम टेलीग्राम चैनल काफ़ी बच्चे जो है वो जुड़ना पसंद, टेलीग्राम चैनल पे बच्चे सुनते हैं हमारा फ़ोन रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें अचानक से पीडीएफ फाइल्स इतनी सारी आ जाती हैं डाउनलोड होने के कारण, तो हम आपको केवल सस्टेनेबिलिटी वाली चीज़ें जो आपकी क्लास के होंगी उसी ग्रुप में आपको जोड़ने की कोशिश करें। अगला सवाल देखें बेटा, यहाँ पर 3 की जो है क्यूब 27 हो गई और 5 की क्यूब को कर देंगे बेटा 125, क्लियर है बेटा? एकता शर्मा जी, निकिता जी कोई फीस नहीं है बेटा, कोई फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आशीर्वाद है आप दुआओं में याद रखें, कोई फीस ऑफ कॉस्ट। 10 की स्क्वायर बेटा 100 माइनस 1, 10
10 की स्क्वायर माइनस 1 किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 की स्क्वायर बेटा 9 की स्क्वायर 81 माइनस 1 अगर मैं करता हूँ तो 80 इज द करेक्ट आंसर 24th क्वेश्चन में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुए फंडामेंटल सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सवाल के ऊपर आ जाए बेटा, फटाफट जल्दी से करें नेक्स्ट क्वेश्चन, माहौल बना दो फटाफट जल्दी से। अगला सवाल देखें बेटा फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन को करने की कोशिश करें इसको। छोड़ो आंसर बताओ इसका फटाफट जल्दी से, आंसर बताएं बेटा इसका फटाफट जल्दी से। इसका आंसर मैं आप सभी से जानना चाहूंगा बेटा, आप सभी से मैं इसका आंसर जानना चाहूंगा, मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर आपको, फटाफट जल्दी से बताएं इसका आंसर मुझे। एकता शर्मा जी 65 कैसे आया बेटा ये बताइए, डिफाइन कीजिए 65 कैसे आया, हो सकता है गलत हो आपका। सीताराम सीताराम आंसर बताओ इसका। मुकेश थालोर प्रदीप जी फटाफट जल्दी सभी बच्चे आंसर बताएं जल्दी से इसका। स्पीड बनाइए अपनी, अब 60 आ गया। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आपका आंसर किस तरीके से आ रहा है, विद फुल्ली डेरिवेशन आपको नोट डाउन करके लिखना है इसके अंदर, फटाफट आप लिख सकते हैं, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। सर आपका टेलीग्राम चैनल किस नेम से है? मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं है निकिता जी, आप इस व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको सभी चीज़ें अवेलेबल करा दूंगा, आप टेंशन मत लें। टेलीग्राम चैनल हमारे रिजल्ट गुरु चैनल का है, तो रिजल्ट गुरु चैनल का टेलीग्राम जो है वो रिजल्ट गुरु के नाम से ही है, हम आपको उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम चीज़ें स्टडी मटेरियल वगैरह आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अरे यार बताओ इसका आंसर जल्दी से, इतनी देर हो गई जवाब ही नहीं दे पा रहे हो। बोलो 5 की स्क्वायर कितनी आ गई 25, 6 की स्क्वायर 36 प्लस 3, ये तो मामला यहां पर सेट नहीं हुआ, तो यहां पर 7 की स्क्वायर 49 और 8 की स्क्वायर बेटा कितनी होती है 64 प्लस 3 होते हैं बेटा 67, तो 67 तो ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 3, 8 का स्क्वायर प्लस 4 60, 8 का स्क्वायर प्लस 4 क्या कर रहे हो ये एकता जी,
देखो आपने इस आंसर बताया उससे पहले ही मैंने आपकी विचारधारा जो है ना वो पहले ही पढ़ ली बेटा। एक चीज देखो आप यहाँ पर 5 की स्क्वायर 25 हो गई ठीक है, और 6 की स्क्वायर 36 प्लस 3 39 आ गए, 7 की स्क्वायर 49 आ गए। अब बेटा इसके अंदर अपन ने 3 जोड़े हैं, 6 6 6 36 होता है, 36 प्लस 3 39 हुआ है, तो यहाँ पर 8 की स्क्वायर 64 प्लस 4 कर देंगे तो भी 68 होगा, 3 जोड़ेंगे तो भी 67 हो जाएगा, जो कि दोनों यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो स्क्वायर से नहीं आ रहा है। नंबर बताए थे बेटा अभी, ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसको हाँ बेटा अगला सवाल देखे फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो यार ये होमवर्क दे रहा हूं, इसकी कोशिश करो एक बार। एस के म्यूजिक कंपनी, स्वागत है म्यूजिक कंपनी जी तारो। साठ अजी बता तो दिए, ये रहे क्या नंबर, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, नंबर ये रहे बेटा। आपकी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर प्लस के 14 हो रहे हैं बेटा, और आप इसके अंदर कहना चाह रहे हो कि प्लस के 14 और प्लस के 10 हो जाएंगे तो 59 इज द करेक्ट आंसर। नहीं कहा है 59 ऑप्शंस के अंदर। गलत है ये भी तुम्हारा आंसर, एस के म्यूजिक कंपनी भाई गलत। एक छोटे से सवाल के अंदर देखो सारा टॉपर एक छोटी बात मैंने बता दी और सब उसी के पीछे लग गए एकदम हाथ धो के। बताओ ये सवाल ही गलत था, सवाल ही गलत था। अभी कोई टीवी चैनल पर अगर हमारे साथ में कोई यूट्यूब पर अगर कोई दादी जुड़ी हो वो गाड़ी वाली निकालती हो रहा हमारे हाथ मार दियो ना मान। अरे महाराज सवाल ही गलत हो, थोड़ा सा दिमाग तो लगाया करो। ये 37 है, ये 49 है। अब देखो इसका आंसर आ जाएगा फटाफट। मैं आपसे इसीलिए कहना चाह रहा था, काफी देर से काफी बच्चे प्रयास कर रहे थे 60 आगो 65 आगो, बताओ तो शुरू कैसे आ गए। आप कोई भी जवाब देने में असक्षम रहे, किसी ने भी इस चीज का आंसर ही नहीं दिया कि इसका आंसर कैसे। देखो अब आंसर आ जाएगा फटाफट। 5 की स्क्वायर 25, 6 की स्क्वायर 36 प्लस 1 33, 7 की स्क्वायर 49 और 7 की स्क्वायर 49 प्लस 1 सॉरी 8 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65 की स्क्वायर है बेटा ये 36 प्लस 1 37। क्लियर है सभी के? हाँ
अब बेटा मेरी बात समझना, जितने भी बच्चे हैं सोमवार से मंडे से हमारी टेस्ट सीरीज लगातार सवालों की चालू हो जाएगी। आपके राजस्थान सीईटी के मॉडल पेपर्स लेकर आ रहे हैं हम मंडे से, और आप मानकर चलें मंडे से लेकर सैटरडे तक रोजाना लगभग 6 टेस्ट पेपर मॉडल पेपर आपको करवाए जाएंगे और ये सीरीज में लगातार चालू रहेंगे 1 महीने तक। लगातार इस तरीके से 24 मॉडल पेपर आपको करवाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं उन बच्चों के लिए आपको मैंने व्हाट्सएप के नंबर दिए हैं, आप व्हाट्सएप के नंबर पर जुड़ेंगे, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, आप जुड़ेंगे तो आपको ये पीडीएफ फाइल्स वगैरह मिलेंगी। सारा टाबर गुट्ठा को निशान मार जाओला, ठीक है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।